दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। आप सभी को एक बार फिर से जय माँ गंगे नमामि गंगे। मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और आज है 25 जनवरी, और 25 जनवरी के दिन मैं फिर से एक बार आप लोगों के साथ हरिद्वार से एक नई वीडियो के साथ पहुँच चुका हूँ। और आज की जो वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है दोस्तों, वो हो रही है शिव वाले घाट से। क्योंकि यहाँ से इसलिए वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है क्योंकि आप लोगों को मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोगों को ठंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूँ, और वेदर के बारे में, मौसम के बारे में, जो आप लोग वीडियो के माध्यम से पूरी तरीके से देख पाओगे। इसीलिए क्योंकि यहाँ से पूरी तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा, सामने रही श्री भोलेनाथ की मूर्ति और माँ गंगा की मूर्ति। दोस्तों, ठंड इतनी ज़्यादा है क्योंकि हमें यहाँ से मूर्ति पूरी तरीके से क्लियर नहीं दिखाई दे रही है, जो आप लोग देख सकते हो वीडियो के माध्यम से। और कोहरा इतना लग चुका है दोस्तों, आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि सामने तक पूरी अच्छे से नज़र नहीं जा पा रही है। आप देख सकते हो सामने, देखो कोहरा इतना ज़्यादा लग चुका है ना दोस्तों, आप लोगों को बता दूँ। ठंड भी उतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है जितना ज़्यादा कोहरा लगते जा रहा है। सुबह तो और ज़्यादा था, बट अभी थोड़ा सा कम हमें देखने को मिल रहा है, पर ठंडी बराबर है दोस्तों, ठंड यहाँ पे पूरी बराबर है। और यहीं से मैं धीरे धीरे मुख्य घाट व मेन घाट पे जाऊँगा, ठीक है। आप लोग अगर मेरे चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि हरिद्वार की नए नए वीडियो, नए नए अपडेट्स मैं आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ। एक बार यहाँ से पूरी तरीके से दर्शन कर लीजिएगा। ये देखिए, अब ये देख लो, मौसम देख लो आप पूरी तरीके से, ये कोहरा देख सकते हो सामने तक, ये देखिए। और हवा इतनी तेज़ चल रही है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूँ, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है सच्ची में, इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही है ना सच्ची में, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। और चलते हैं सीधे सामने की ओर, सामने रहा मेरा मालवी घाट, उस घाट के भी आप लोगों को मैं नज़ारे दिखाऊँगा, और बाकी जो भी मेन घाट है उन सभी घाट का नज़ारा दिखाऊँगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक करते जाइए। जिस घाट पे मैं खड़ा हूँ अभी ना, इसे बोलते हैं मालवी घाट, जो आपको दिख रहा होगा, ये देख सकते हो। यहाँ पे श्रद्धालु को देख सकते हो जो स्नान करने के बाद सीधे कपड़े पहन रहे हैं, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है सच्ची में, आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। और जल तो आप लोगों को पता ही हुआ, माँ गंगा जल का पानी इतना ज़्यादा ठंडा आता है ना सच्ची में, क्योंकि ऊपर से आता है पहाड़ों से होते निकलते। ये देखो भाई, ये देखो इस तरह से लोग होता लगाते हैं, देखो ये देखो भाई। और ये सामने रहा मेरा महिला वाला घाट, जो आपको दिख रहा है, देखो ये रहा महिला वाला घाट जो आपको सामने की ओर दिख रहा है, ये देखो ये रहा महिला वाला घाट। लेकिन यहाँ से एक बार नज़ारे चेक कर लो, ये देखो, ये पूरी तरीके से देख सकते हो दोस्तों यहाँ से वेदर, ये देख लो। धूप अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुई है, सुबह तो इससे ज़्यादा ठंड थी क्योंकि सुबह तो पूरा कोहरा था सच्ची में, बट अभी थोड़ी बहुत धूप निकली थी, बट वो भी पूरी तरीके से क्लियर नहीं निकली है, ये देख सकते। यहाँ से एक बार थोड़ा सा तुम्हें जल दिखा देता हूँ, ठीक है, मैं पूरी तरीके से जल कितना क्लियर हो चुका है, ये देखो। और इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है सच्ची में यार, तुम्हें बता नहीं सकता। और ये देख लो भाई को, देख लो ये देखो, और सामने के नज़ारे देख सकते हो, ये देखो। उसे बोलता है महिला वाला घाट, आप लोगों को मैंने बता दिया, वही है महिला वाला घाट जो आपको दिख रहा है, देखो सामने, ये देख लो। पूरी तरीके से यहाँ से दर्शन कर सकते हो आप माँ गंगा के, जो पूरी तरीके से। और 14 जनवरी के दिन की भी आप मेरी वीडियो देख सकते हो, जहाँ पे मैंने आप लोगों को उस दिन के भी बारे में जानकारी दे दी थी, और उस दिन के भी आप लोगों को मैंने नज़ारे दिखा दिए थे। एक बार इस तरह से दर्शन कर लीजिएगा, ये देख सकते हो भाई, ये देखो। अभी मैंने थोड़े से पूछने की कोशिश की, लेकिन बताया जा रहा है कि अभी CM आ रहा है और यहीं से वो जल लेके जाएंगे अयोध्या के लिए। ये सब जो जाने वाले हैं, ये सब संत बाबाओं का ग्रुप है, और ये यहीं से अयोध्या होते हुए जाएंगे जल लेके। यहाँ से देखो, अभी यहीं से जल ले जाएंगे ये लोग, और यहीं से फिर अयोध्या की ओर जाएंगे, ये देखो। दोस्तों, बताया जा रहा है कि अभी पुष्कर सिंह धामी जी आने वाले हैं, जो यहीं से अयोध्या के लिए गंगा जल ले जाएंगे आज। यहीं से होते हुए ये संत लोगों का आपको दिख रहा होगा, देखो झुंड जो सामने दिखाई दे रहा है ना, हरिद्वार से यहीं से अभी पूजा अर्चन होगी, और उसके बाद यहीं से जल लेके ये लोग जाएंगे अपने अयोध्या के लिए दोस्तों,
ये देखो वहाँ पे कलश आ चुके हैं, देखो बहुत सारे दिखाई दे रहा तुम्हें कलश, ये देखो। और आने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, अभी पहुँचेंगे थोड़ी देर बाद, आप लोगों को बता दूँ। लेकिन ये नज़ारे देख लो एक बार यहाँ से पूरी तरीके से, क्योंकि राम मंदिर का भी उद्घाटन है इसीलिए यहीं ये संत लोग आ रखे हैं। उसी के बाद यहाँ से होते हुए फिर अयोध्या के लिए निकलेंगे। तो दोस्तों अभी ब्रह्मकुंड घाट के ठीक सामने आ चुका, लेकिन सर आ चुके हमारे सीएम साहब, जो आप लोगों को मैंने बता दिया अभी, क्योंकि यहीं से वो लोग अयोध्या जा रहे हैं। अभी मैंने पूछा था तो हमें यही रिक्वायरमेंट मिली थी लोगों से कि सीएम साहब आ रखें, तो कोई नहीं। और एक बार आप यहाँ से पूरी तरीके से आप लोग इस तरह से दर्शन कर सकते हो, ये देख लो दोस्तों 15 जनवरी के दिन आप लोग ये नज़ारे देख रहे हो। समय की बात की जाए, समय हो चुका अभी लगभग 2 बजे का, और 2 बजे के ये नज़ारे देख लो पूरी तरीके से। और कोहरे से पूरा हरिद्वार धीरे धीरे ढकते जा रहा है दोस्तों, और ठंड भी बराबर होती जा रही है, बराबर बढ़ती जा रही है। और एक बार यहाँ से देख लो ये सामने की व्यू, देख लो सामने की तरफ, ये देखो पूरी तरीके से, ये देख तो दोस्तों मैं अभी आ चुका नाई घाट की तरफ, और ये देख लो ये रहा नाई घाट, जो यहाँ पे पूरी तरीके से देख सकते हो, सामने तक नज़र नहीं जा रही, देखो इतना कोहरा लग चुका है भाई। कोई बोलेगा अभी 2 बजे का समय है और ठंड इतनी बराबर है दोस्तों, ठंड पूरी तरीके से बराबर है, ये देखो। और ये देख लो पूरी तरीके से घाट देख लो, तो पूरी तरीके से फुल हो चुके हैं सामने, ये देखो। देख लो दोस्तों राम मंदिर के लिए अयोध्या के लिए जहाँ से जल ले जाया जा रहा है, देखो ये देखो। जय श्री राम, ये देख लो दोस्तों अयोध्या के लिए यहाँ से जल ले जाया जा रहा है, देखो पूरी तरीके से, ये देखो। और भीड़ देख लो यहाँ पे श्रद्धालु, ये देखो। तो आप लोगों को बता दूं सीएम साहब आ रखे हैं, और यहीं से जाएगा अयोध्या के लिए जल, जो यहाँ से जा रहा है अभी, देखो यहाँ पर भीड़ देख सकते हो। और ये रहा जल जो यहाँ पे हो चुका पूरी तरीके से, ये देखो यहीं से जल के लिए यहीं से जाएंगे, यहाँ से देखो सामने। ये देख सकते हो यहाँ पे रही है सीएम साहब की गाड़ी, यह दे देख सकते हो। प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखते जाइएगा, और अयोध्या के लिए बस थोड़ी देर में जल निकलने के लिए यहाँ से रेडी होगा। आप लोग देख सकते हो पूरी तरीके से यहाँ से हो चुका जल की तैयारी, जो रेडी होने के जा रहा है, ये देख सकते हो। थोड़ी देर में जल रवाना के लिए हो गए यहाँ से अयोध्या के लिए, हमारे सीएम साहब वगैरह सभी लोग यहाँ पे आए हैं, भक्तजन जो आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे पूरी।
देख लो पूरी रोड खाली कर दी दोस्तों, अभी पूरी रोड रोड खाली कर दी, क्योंकि अभी थोड़ी देर में आने वाले पुष्कर सिंह धामी, बट उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन यहीं से चल जाएगा आज, आप लोगों को मैं बता दूँ यहीं से जाएगा चल आज, लेकिन उनको आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हमें थोड़ा निकलना पड़ेगा क्योंकि हम देख नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्हें अभी थोड़ा टाइम लगेगा, वो अभी एक घंटा उनको बाकी है उनके आने में, तो इसलिए पूरी पहले सब भीड़ वगैरह सब हटा दिए वहाँ से, क्योंकि पुलिस प्रशासन का बहुत ज़्यादा वो है। देखो यहाँ पे हर जगह जगह पे पुलिस है भाई, आज जगह जगह पे गाइस उनको आने में टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे तो निकलना पड़ेगा वहाँ पर से, क्योंकि ठंड भी बढ़ती जा रही है, अभी आने में उनको टाइम है बहुत ज़्यादा, क्योंकि टाइम तो लगेगा, अभी वो लोगों को कम से कम एक से डेढ़ घंटा लगेगा, लेकिन हमें फटाफट से निकलना पड़ेगा और वहाँ पे खड़ा होना तो हमें अलाउड नहीं था, बट कुल मिला के आज यानी कि 15 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन तारीख के लिए यहाँ से हरिद्वार से गंगा जल जा रहा है, जो मैंने हम लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखा, तो फटाफट से निकलते हैं, चलते हैं बाकी हम लोगों को आज के दर्शन में मैंने तरीके से करा दिया, फटाफट से निकलते हैं, बाकी मैं लोगों को बहुत जल्दी नेक्स्ट। बाय बाय।